हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। तो आज हम बनाने वाले हैं कटलेट, जिसके लिए मैंने वाटर लिया है, 10 पीस ब्रेड है जिसे हम किनारों से कट कर लेंगे, हाफ बाउल सेवई ली है जिसे हमने भून लिया है, ये 8 पीस हरी मिर्च जिसे हमने बारीक पीस लिया है, बॉयल किया हुआ आलू जिसे हमने 9 पीस लिया है, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इन सारी चीज़ों को मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, ये मूंगफली है 2 टेबल स्पून जिसे मैंने तवे पे भून लिया है, किशमिश 2 टेबल स्पून। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेड के किनारों को कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के किनारों को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे ब्रेड के किनारे बिल्कुल अच्छी तरह से कट के रेडी हैं। अब हम आलू को मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसे भूनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और छोटी सरसों 1 टेबल स्पून, इन सारी चीज़ों को हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाए तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे और अब हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुकी हैं। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे, साथ में मूंगफली और किशमिश को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, आलू का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कटलेट का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम सारे पीस बना लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू के मिक्सचर को कटलेट का शेप दे दिया है और अब हम इसे ब्रेड में रोल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड की एक स्लाइस को लेंगे और वाटर में डिप करेंगे। अब हम इसे ब्रेड पे रखेंगे, इस तरह से चारों तरफ से रोल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे आलू के मिक्सचर को ब्रेड में रोल कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे बॉल्स बनके तैयार हैं। अब हम इसे सेवई से कवर करेंगे। इस तरीके से हम सारे बॉल्स को सेवई से कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे दबा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को कवर कर देंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स बनके तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्लेम को ऑन करेंगे, कढ़ाई को रखेंगे और ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके कटलेट को फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसे हम दोनों तरफ से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कटलेट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। ये देखिए हमारा टेस्टी एंड क्रिस्पी कटलेट बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।